शेख रशीद कहते हैं नवाज शरीफ के मसले पर न डील हुई और न ही ढील हुई। हाई कोर्ट के फैसले से हुकूमत की मनफी प्रोपेगेंडे से जान छूट गई और इंडेमनिटी बॉन्ड न देकर नवाज शरीफ की भी नाक रह गई। मीडिया से गुफ्तगू करते हुए वजीर रेलवे का कहना था कि मौलाना फजल रहमान किसी के कहने पर वापस नहीं गए, उन्हें जाना ही था। अल्लाह ताला ने मदद की है, एक बहुत बड़ा रिएक्शन था सोशल मीडिया में कि ये डील हो रही है, ना डील हुई है ना ढील हुई है। कोर्ट ने दोनों पार्टियों की इज्जत को बहाल रखा है, कोर्ट ने उनका अल्फिया बयान भी लिया है और शहबाज शरीफ और नवाज शरीफ जो कहते थे मैं कभी दरख्वास्त नहीं दूंगा, उन्होंने अल्फिया बयान पर दस्तखत भी किए हैं कि इलाज के बाद 4 हफ्तों में आ जाएंगे अगर वो सेहतमंद हुए। मैं समझता हूँ हुकूमत के लिए एक अच्छी बात ये हुई है कि हुकूमत पर जो बहुत ज्यादा प्रोपेगेंडा था कि ये डील हो गई है उससे जान छुट गई है और नवाज शरीफ की भी नाक रह गई है कि जनाब हमने इंडेमनिटी बॉन्ड नहीं दाखिल किया। कोई किसी ने बीच बचाव नहीं किया जी, फजलुर रहमान ने जाना ही था, मैंने कौम को कह दिया था 2 दिन ज्यादा रहा है, मैं उसको दाद देता हूँ, मेरा ख्याल था वो 4 दिन पहले चला जाएगा, उसका फैसला यही था। किस वजह पे उसने फैसला बदला मुझे पता नहीं है, ये लोग किसी के कहने पर वापस नहीं गए।